हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन मुझे गेम डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है कि पर डाउनलोड अपनी कितनी इनकम होती है। पर डाउनलोड, अगर आपका गेम कोई एक बार डाउनलोड कर लेता है, 10 बार डाउनलोड करता है, तो उस डाउनलोड के पीछे कितनी कमाई होती है। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप गेम से कमा सकते हो और पर डाउनलोड इनकम होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने जाऊँ तो फिर पर डाउनलोड इनकम नहीं होती अनलेस आपका गेम पेड हो। तो अगर आपने एक गेम पेड प्राइस पॉइंट पे रखा है, मान लीजिए प्ले स्टोर के ऊपर आपने रखा है कि मेरा ये गेम है ये 100 रुपये में बिकेगा, तो 100 रुपये में से आपको 70% मिलता है और 30% गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर ले लेता है। तो ये बात रही पेड गेम की, तो पेड गेम में आपकी पर डाउनलोड इनकम होती है। बट अगर आपका गेम फ्री है तो वो केस में आपकी पर डाउनलोड इनकम नहीं होती, प्राइमरली बिकॉज वो केस में आपके पास कोई जरिया ही नहीं है ना पैसे कमाने का। अभी फ्री गेम से आप सोचोगे कि यार ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट फ्री गेम्स इतने सारे मार्केट में है तो इनकी कमाई तो होती है, तो ये कमाई होती कैसे है? तो इसका आंसर है बाय एड्स। आप देखते हो जब आप गेम खेलते हो तो उसके अंदर बीच में एक बहुत बड़ी एक एड खुल जाती है, या फिर आपको गेम बोलता है कि यार ये वीडियो देख लो तो इससे आपको एक लाइफ मिल जाएगी, या फिर आप रिवाइव कर लोगे, या फिर ये इन ऐप परचेस खरीदो तो आपको ये आइटम मिल जाएगा, वो सब। तो वो सारी चीज़ों से कमाई होती है गेम डेवलपर्स की। अभी एक सेकंड मेजर क्वेश्चन मेरे को ऐसा आता है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, बट पर मंथ इनकम क्या होती है, पर मंथ एक फिक्स्ड इनकम क्या होती है गेम डेवलपर्स की। तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो इसके दो आंसर है। एक फर्स्ट आंसर है कि अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो आप कहीं पे सैलरीड जॉब पे लग जाओ किसी गेम डेवलपमेंट कंपनी में, तो ही आपकी एक फिक्स्ड इनकम होगी। बट अगर आप खुद का गेम बना रहे हो, खुद से कोई एक गेम बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो वो केस में कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, प्राइमरली बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका गेम कैसे लोग खेल रहे हैं, कितनी बार खेल रहे हैं, या फिर कितनी बार वो आपका गेम डाउनलोड किया जा रहा है अगर आपका गेम पेड गेम है। तो इसी वजह से कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं कि यार अंदाज से बता दो, अंदाज से, तो अंदाज से भी नहीं बता सकते कि आपकी गेम की अर्निंग्स जो है वो कितनी होगी पर मंथ, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं होता। आपका गेम जितनी बार लोग खेलेंगे उसके ऊपर से एक कैलकुलेशन बनता है जिसे बोला जाता है ECPM। आपके गेम का जो जितना अच्छा ECPM है, जितने ज़्यादा लोग आपका गेम खेल रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। पूरे फैक्ट्स ही शेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि यार गेम हम लोग बना लेंगे तो इससे हमारी एक फिक्स्ड मंथली इनकम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई गेम खुद का बनाते हो तो फिर उससे कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, भले आपका गेम फ्री हो भले आपका गेम पेड हो, मैटर नहीं करता। अनटिल एंड अनलेस आप एक बहुत ही अच्छा वायरल गेम बना लेते हो जो बहुत सारे यूजर्स तक जाता है, तब जाके आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपका गेम वायरल नहीं जाता, अगर आपके गेम के ऊपर लेट्स से 100 से 200 डाउनलोड से नीचे है, तो फिर आपकी गेम से अर्निंग शायद कुछ होगी भी नहीं। तो ये भी वेरी मच रियल सिनेरियो है, वेरी मच पॉसिबल सिनेरियो है कि आपने गेम बना लिया, मैटर नहीं करता आपने 1 महीना डाला उसके अंदर, 2 महीना डाला डेवलपमेंट एफर्ट्स के अंदर, बट अगर उस गेम को कोई लोग खेल ही नहीं रहे, अगर आपको उसके लिए ऑडियंस ही नहीं मिल रही, अगर आप उसके लिए ऑडियंस एक्वायर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसके लिए ऑडियंस रिटेन नहीं कर पा रहे हो, ये जो वर्ड्स है इनके ऊपर ध्यान दीजिए, एक्विजिशन और रिटेंशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गेम को कमाने के लिए। अभी एक्विजिशन होता क्या है, मान लीजिए आपने एक गेम बना लिया, मार्केट में उसको डाल दिया, अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आपका गेम अभी मार्केट में आ चुका है, बस इतना ही हुआ है, ना उसको किसी ने डाउनलोड किया है, ना उसको किसी ने ओपन करके देखा है, ना ही लोग जानते हैं कि ऐसा गेम मार्केट में आया है। दिन में हजारों गेम्स अपलोड होते हैं, हजारों ऐप्स अपलोड होते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे, उसमें से लोग अभी तक जानते भी नहीं है कि आपका गेम मार्केट में आया है। तो ये केस में सबसे पहले आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा कोई एक गेम मार्केट में मैंने डाला है, इसको जाके आप डाउनलोड कीजिए। तो वो केस में आपको यूजर्स एक्वायर करने पड़ते, मतलब यूजर को बताना पड़ता है कि ये मेरा गेम है। अभी यूजर उस गेम को देखेगा, फिर बाद में अगर उसको उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह अच्छे लगे तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेगा कि आपका गेम उसको डाउनलोड करना है। अभी डाउनलोड करने के बाद थोड़ी देर वो खेलेगा, ओके, खेलने के बाद अगर वो अगले दिन वापस आता है आपके गेम की तरफ, ओके, वापस वो खेल रहा है अगले दिन, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो पर्टिकुलर यूजर को रिटेन किया है, अगले दिन पे रिटेन किया है। रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम्स में, अगर आपको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आपका गेम डाउनलोड कर लिया तो किस्सा वहाँ पे ख़त्म नहीं होता।
पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसने गेम आपका डाउनलोड कर लिया, 30-40 सेकंड तक खेल लिया, उसको पसंद नहीं आया, फट से उसने अनइंस्टॉल कर दिया, या फिर वर्स्ट सिनेरियो उसने आपका गेम बस डाउनलोड करके रखा, 30-40 सेकंड खेला और वो कभी लाइफ में उसने वापस उस गेम को ओपन ही नहीं किया, उसने अनइंस्टॉल भी नहीं किया। तो ये चीज़ें भी होती है। फिर एक बार अगर आपका यूज़र वो हर रोज गेम खेलने लग जाता है और ऐसे आपके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तब जाके आपकी एक सस्टेनेबल इनकम होगी, तब जाके आपका रेवेन्यू बनना स्टार्ट होगा। इसके अलावा पता नहीं ये चीज़ कहाँ से लोगों के दिमाग में आती है कि पर डाउनलोड अपने को कोई पैसे मिलते हैं, पर डाउनलोड कोई मेरे को बोल रहा था कि पर डाउनलोड के कुछ 50 रुपये मिलते हैं। भाई अगर ऐसा हो तो मेरे को भी बता दो, मैं भी ऐसे कुछ कर दूँ तो फिर मेरी भी डाउनलोड्स मैं बढ़ा दूँ, बट ये सिनेरियो नहीं है। पर डाउनलोड से आपकी इनकम सिर्फ तभी होती है जब आपका गेम मार्केट में पेड है और उसके ऊपर भी 70% रेवेन्यू आपको मिलता है, 30% जो है वो स्टोर का कट रहता है। सेम गोज फॉर इन ऐप परचेजेस। अगर आपके गेम के अंदर कुछ इन ऐप आइटम्स है, मान लीजिए आपने कुछ एक कॉस्मेटिक रखा है, कुछ कोई एक कैरेक्टर है आपके गेम के अंदर, उसके कुछ आपने कपड़े बना के रखे हैं और वो मान लीजिए आपने उसकी प्राइस पॉइंट रखी 10 रुपये पर कपड़ा, ओके सो उसमें से 10 रुपये में से 7 रुपये आपको मिलेंगे, 3 रुपये गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर रख देगा। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर पेड गेम्स इज स्टीम मार्केट। स्टीम जो पीसी का मार्केट है वहाँ पे आपके पेड गेम्स जो है वो अच्छे खासे चल जाएंगे अगर आप अच्छा क्वालिटी का गेम बनाते हो तो। सेकेंड बेस्ट मार्केट फॉर पेड गेम्स इज iOS ऐप स्टोर। एप्पल ऐप स्टोर में बहुत अच्छे तरीके से आपके पेड गेम्स चल जाएंगे क्योंकि वो इकोसिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पे अमीर लोग हैं तो वहाँ पे लोग दो बार सोचते नहीं है कि यार गेम खेलना है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो फिर वो पेड गेम्स ऑप्ट करते हैं। एंड्रॉयड के ऊपर अगर आप पेड गेम डालोगे तो फिर आपको सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है, सॉरी थोड़ा मैसअप हो गया वहाँ पे, इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि प्राइमरली एंड्रॉयड के जो यूजर्स है वो मासेस में है और उनके पास हर तरह का हैंडसेट है, लो एंड से लेके मिड एंड से लेके हाई एंड तक। आईफोन में तो क्वालिटी एक ही है, सेम है, तो उसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखता नहीं है। सो इसी वजह से अगर आप पेड गेम डालना चाहते हो तो iOS ऐप स्टोर या फिर PC के लिए स्टीम मार्केट पे लॉन्च कीजिए। अगर आपको एंड्रॉयड पे लॉन्च करना है तो गेम फ्री रखिए और उसको फ्रीमियम मॉडल पे मोनेटाइज कीजिए। फ्रीमियम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप गेम डालते हो मार्केट में फॉर फ्री और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ों से आप मोनेटाइज करते हो, जैसे मैंने बोला एड्स हो गए, इन ऐप परचेस हो गए, ये सारे जरियों से आप अपने गेम को मोनेटाइज करते हो। सो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि यार गेम से कोई एक फिक्स सेट ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप फिक्स इनकम चाहते हो तो फिर किसी गेम डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करो, वहां से आपको फिक्स इनकम मिलेगी एज अ सैलरी। अगर आप जानना चाहते हो कि और कैसे तरीकों से आप मोनेटाइज कर सकते हो गेम्स को तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसके टॉपिक के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, हाउ टू मार्केट योर गेम्स लाइक अ प्रो एंड मेक मनी। इस बुक को आप पढ़ के आपको पूरी की पूरी आइडिया आ जाएगी कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो वो सब। इस बुक को अगर आपको खरीदना है तो ये बुक अवेलेबल है ऑन Amazon और मेरी खुद की वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Amazon के ऊपर अवेलेबल है 149 रुपीज पे, मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है 69 रुपीज पे, तो आप जाके वो खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे गेम से मोनेटाइजेशन होती है और कैसे आप पैसे कमा सकते हो गेम से। सो यही है ऑल इन ऑल टेक अवे कि पर डाउनलोड इनकम नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपका गेम पेड नहीं है तब तक, और एक बार आपका गेम पेड है तो फिर उससे आपको 70% इनकम होती है। अगर आपका गेम फ्री है तो उससे आप एड्स चला सकते हो या फिर ब्रांड प्रमोशंस कर सकते हो। अच्छा, एक और तरीका मोनेटाइजेशन का ये है कि अगर आपका गेम अच्छा खासा चल गया, बहुत ज़्यादा लेवल तक चल गया, तो आप अपने गेम के अंदर स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ले सकते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो कि यार मेरे गेम के ऊपर एक डेली एक्टिव यूजर्स 30,000-40,000 डेली एक्टिव यूजर्स है, तो आप अपने ब्रांड को अगर प्रमोट करोगे तो फिर मेरे गेम के थ्रू आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सकते हो और फिर बाद में वो ब्रांड्स को आप अप्रोच करके बता सकते हो कि मेरे को ये मंथली रिटेनरशिप या फिर मंथली फी दे दो आप, जिसके थ्रू मैं आपकी एड्स, सिर्फ और सिर्फ आपकी एड्स गेम के अंदर चलाऊंगा। तो ये एक तरीका हो सकता है अगर आपको एक कॉन्स्टेंट सेट ऑफ इनकम चाहिए तो। बट ओवरऑल जब तक आपका गेम मार्केट में हिट नहीं होता, जब तक आपके गेम की तरफ ज्यादा यूजर्स आते नहीं और आप उन यूजर्स को रिटेन नहीं कर पाते, देखिए दोस्तों रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड के नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके डाउनलोड नंबर्स हो सकते हैं 1 लाख बट उसमें से आपके जो डेली एक्टिव यूजर्स है वो हो सकते हैं कि 100 भी ना हो या फिर 50 भी ना हो, ये भी रियल सिनेरियो है, बहुत सारे डेवलपर्स के साथ होता है।
रियल रहिए और अपने गेम्स को बेटर बनाइए और ऑडियंस को एक्वायर कीजिए, रिटेन कीजिए और ढेर सारे पैसे कमाइए। मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट फॉर दिस प्रोसेस। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।